सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ दी करोना पॉजिटिव पाए गए ने। कल ही उन्होंने आजादी दिवस समागम दे विच शमूलियत की सी मानसा च और तिरंगा लहराया सी और उस तो बाद एक स्कूल दे विच भी एक समागम दे विच शिरकत करन गए सन। सो हुण मंत्री दे संपर्क च आउण वालियां दी भाल की जा रही है। पूरी रिपोर्ट दिखाउणे आ। कोरोना ने सूबे के एक होर वजीर नूं अपनी लपेट दे विच लै लिया है। इस बार मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ कोरोना पॉजिटिव निकले ने। मंत्री साहब के पॉजिटिव आने तो बाद चंडीगढ़ विच रहिंदे उन्हां दे पूरे परिवार के टैसट किए गए हैं, जिस विच उन्हां दी नूं दी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पर उस तो भी ज़्यादा फिक्र वाली गल यह है कि 15 अगस्त वाले दिन गुरप्रीत सिंह कांगड़ मानसा हल्के आज़ादी दिहाड़े के समागम के बतौर मुख मेहमान शामिल हुए सन। दसया जा रहा है कि मंत्री साहब समागम के दौरान कई लोगों नूं मिले और बाद दे विच मानसा हल्के दे पिंड कोटड़ा कलां भी पहुंचे सन, जिथे उन्होंने सरकारी समार्ट स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान वो कई लोगों के बच्चों के संपर्क में आए। हालांकि अपने भाषण के दौरान वो बार बार लोगों नूं कोरोना तो बचने की सलाह देंदे रहे, मास्क पाने की सलाह देंदे रहे, पर वो खुद कई मौकों पर बिना मास्क के देखे गए। सानू कोरोना खिलाफ जंग उत्ते ही फतेह पाउणी है। इस जंग विच योगदान पाउण लई सानू समाजिक दूरी, मास्क पहनना आदि सेहत सलाहां दा पालन करना जरूरी है। जदों भी किसी व्यक्ति नूं बीमारी दे लक्षण महसूस होण तां उस नूं तुरंत अपना टैस्ट करवा के इलाज शुरू करवाउणा चाहीदा है। दोवें समागमां दे दौरान मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ दे संपर्क विच सैकड़े लोग आए सन, जिस मगरों मानसा जिले का प्रशासन हरकत दे विच आ गया है अते संपर्क विच आउण वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है, उन्हां नूं ट्रेस किया जा रहा है। मानसा तो बलदेव शर्मा, न्यूज़ 18। ते खबर अमृतसर तो। अमृतसर च जगदीश टाइटलर दे होल्डिंग्स लगे ने, जिस तो बाद एक विवाद खड़ा हो गया। टाइटलर समर्थक करम सिंह गिल वालों ये होल्डिंग्स ये पोस्टर लगवाए गए सी और जगदीश टाइटलर का जन्मदिन मनाया गया सी। सो जिक सिख जथेबंदियां ने इस तो बाद इतराज जताया और ये होल्डिंग्स उतार दिते और इन्हां होल्डिंग्स ते कलख बल दिती। 1984 दंगियां दे टाइटलर ते इल्जाम लगते रहे ने और सिख जथेबंदियां हमेशा तो ही टाइटलर का विरोध कर दिया आईया ने। सो करम सिंह गिल जो कांग्रेसी लीडर अमृतसर का, उस वालों ये पोस्टर लगवाए गए सी टाइटलर के जन्मदिन पर और उस तो बाद सिख जथेबंदियां ने पहुँच के ये पोस्टर उतार दिते और कल संभाल दिते। माननीय श्री जगदीश टाइटलर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, बड़ी खुशी और श्रद्धा से धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए नए साल जैसा दिन है। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे फतेह साझी करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो करमजीत सिंह गिल आ, कोई अजे तक सानू ना कोई फोन नंबर मिले तो ना उस बंदे का सानू पता ही लगा। तो इस बंदे ने वेखो किहड़े बंदे दी लिया के किहड़े बंदे नू प्रमोट करन दिया, जिन्हें सिख कौम नाल रज के कान किया दिल्ली दे विच। 84 दे विच जिहड़े निके निके बच्चे कुखां दे विच भी साढ़े मारे, जिहड़े इन्हें धीआं भैणां नू नंगियां कर कर गलियां दे विच भजाया, टैर पा पा साढ़े वीर साडियां भैणां साढ़े प्यो जिहड़े आ इन्हें साड़े, तो उस बंदे नू प्रमोट कर लई इन्हें लिया के साढ़े चौराहे दे विच गुरु नानक हॉस्पिटल के अगले बन्ने तुंगा वाला बाजार है जिहड़ा, उत्थे लिया के इस बंदे की फोटो ला के इहनूं वधाइयां देण दिया। चंद छिलणा दे ये बंदे जिहड़े आ, ये औकात इन्हां दी चंद छिलणा दा मतलब हुंदा वा भी यह कोई ना कोई ओहदा जां कोई ना कोई तलवे चटण वाला बंदा होणा वा जां ये बंदा कोई कुर्सी दे करके ये बंदे ने करतूत की। पर इस बंदे नूं ये ना पता लगा भी इहदे थां मेरी धी हुंदी, मेरी भैण हुंदी, मेरी माँ हुंदी, मेरा प्यो हुंदा, मेरा बच्चा हुंदा,
ते मेरी भैन दे कुख दे विच बच्चा मारिया हुंदा इहने ते अज इस बंदे नूं असीं प्रमोट करदे।